मोक्षधाम के गेट पर डंपिंग यार्ड निर्माण कर सफाई अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ जनप्रतिनिधि व नगर परिषद के अधिकारी स्वच्छ शहर अभियान के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर चुकी है। गोंदिया शहर के जनता में इस संबंध में काफी रोष है और यह विषय विधानसभा में हलचल मचाने वाला है। वो एक मैयत में आया था मोक्षधाम घाट पर, तो यहाँ का जो गेट के ऊपर जो डंपिंग यार्ड बनाया नगर परिषद ने, वो डंपिंग यार्ड ऐसा लग रहा है कि गांव के जो तमाम समाज के लोग यहाँ आते हैं अपने सब सगे संबंधित रिश्तेदारों के यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए, तो उनके जान से एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सारी जवाबदारी यहाँ के नगर प्रशासन के साथ साथ जिला कलेक्टर मैडम, यहाँ के लोकल आमदार, यहाँ के जो MP है और यहाँ के जो पूर्व नगर परिषद के नगराध्यक्ष है, साथ ही सभी वार्डों के नगर परिषद के सदस्य, विशेषतः गौशाला वार्ड, सुभाष वार्ड, सावरा टोली, गणेश नगर, यहाँ के जो नगर सेवक है, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसा है जो सामाजिक स्थल है ये, कि जहाँ आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है और गाँव के जो गणमान्य लोग यहाँ सभी समाज के आते हैं, तो यहाँ जो डंपिंग यार्ड बना के नगर परिषद जो जनता के क्या बोलेगी कि उसके जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रही है और एक रोग राई शहर में फैलने का बहुत बड़ा संकेत, यहाँ एक कारखाना तैयार हो गया है कि जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु, लाखों टन दिख रहा है यहाँ पूरा कचरा जी, लाखों टन दिख रहा है पूरा यहाँ, लाखों टन कचरा यहाँ डाल के नगर परिषद क्या सिद्ध करना चाहती है। गांव में एक तरफ बजरंग दल की तरफ से सर्वधर्म स्वच्छता अभियान की तरह हर रविवार को यहाँ सफाई अभियान होता है सुबह 7 से 8, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उस अभियान के एकदम विरुद्ध काम यहाँ चल रहा है। डंपिंग यार्ड को स्वरूप यहाँ मोक्षधाम घाट को प्राप्त हो चुका है और इसके तरफ जनता में काफ़ी रोष है, पूरे शहर की जनता में, सर्व समाज में इसका रोष है और आने वाले दिनों में ये रोष किस रूप में प्रकट होगा और प्रशासन को इसकी पूरी जवाबदारी जो रोग राय फैलेगी उसकी और जनता के रोष की, प्रशासन को इसकी जवाबदारी वहन करना ही पड़ेगा। और एक दिन जनता का ये रोष नगर परिषद को, जनप्रतिनिधियों को काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।